हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजीत पेंटर। दोस्तों, हमने ये पेंटिंग बनाई है बहुत ही सुंदर तरीके से। हमने इसको बनाने में आगे 2 दिन लगे हैं, पूरे 2 दिन नेट इसको बनाने में अभी लगे 24 घंटे, 12-12 घंटे हमने इस पे काम किया है। तो दोस्तों, ये शूटिंग के लिए बनाई गई है पेंटिंग। तो आपको भी इस तरह का कोई भी वर्क करवाना है, आपने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी है, अपने घर पे कोई भी दीवार डेकोरेट करवानी है, या किसी भी तरह का कोई भी आपने छत पे भी कोई डिज़ाइन बनवाना है, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। स्कूल वगैरह में भी हम काम करते हैं, हर तरह के जैसा भी पेंटिंग का कोई भी काम हो, पोर्ट्रेट, पिक्चर या सीनरी वगैरह, या कोई भी आपने महल का कोई डिज़ाइन आपने बनवाना हो या राजस्थानी पेंटिंग बनवानी है, तो हर तरह की पेंटिंग हम बनाते हैं। तो आप हमें जरूर संपर्क करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं किस तरह से हमने पेंटिंग बनाई है। तो देखिए, पहले हमने ड्राइंग बनाकर इसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड होती है, सबसे पहले पेंटिंग में हमें वही बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम पहले आगे वाला हिस्सा बना लेंगे और फिर बाद में बैकग्राउंड बनाएंगे तो क्या होता है, जो बैकग्राउंड का जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पेंटिंग है उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमने पेंटिंग बनाई और इसके बाद फिर ये आसमान जो बैकग्राउंड है इस पेंटिंग की, नीला आसमान है, उसमें बादल है। तो इस तरह से हमने ये शुरुआत की है। तो इसमें ये शुरुआत में पहले लाइट कलर से शुरुआत करते हैं। कभी भी आप पेंटिंग बनाओ तो पेंटिंग में स्प्रे से पहले लाइट कलर से शुरुआत की जाती है, फिर उसमें डार्क। तो दोस्तों, पहले फिर हमने थोड़ा लाइट ब्लू पेंट स्प्रे से बचाते हुए इसको करना है आपने, और बहुत ही आसानी से, अगर आप स्प्रे चलाना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं स्प्रे से करते हुए, कम से कम मुझे स्प्रे से काम करते हुए 3-4 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, आप भी जिस तरह से आप अपने आप को ढालोगे उसी तरह से आपका हाथ चलता चला जाएगा। दोस्तों, पहले हमने नीचे ब्राउन पेंट सीढ़ियाँ बनानी है, और फिर उसके बाद ब्रशों के द्वारा ये पत्तियां बनाई है हमने पेड़ों की, और अब स्प्रे से ये देखिए कितने आसानी से हमने ये बादल क्लाउड बना दिए हैं, बहुत ही आसानी से। लोग बाहर स्टेंसिल काटते हैं, वो करते हैं, लेकिन अपने पास ऐसा कुछ नहीं, हाथों से ही सब कुछ काम होता है। तो दोस्तों, अब इसमें हमने ये मंदिर है जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारी पेंटिंग है, अब उसमें बड़े ही ध्यान से हमने पहले पिंक पेंट किया है, बड़े ही आराम से। ये मैंने फास्ट में वीडियो कर रखी है, मैंने बड़े आराम से किया था ये काम, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये सारा ही कलर बाहर फैल जाएगा और जो हमारी पेंटिंग है वो मज़ेदार नहीं बनेगी। तो आप भी इसी तरह से करेंगे। तो पहले मैंने इसकी आउटलाइन कर ली है सभी की, फिर इसमें रंग भर बड़ी स्प्रे से, बड़ी स्प्रे गन जो होती है उससे हमने ये पेंट किया था, अभी तो छोटी गन से मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इसमें 2 दिन लगे हैं जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो वह इसको मेन पॉइंट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने ये काम किया है। तो अब शुरुआत करते हैं, अब नीचे से हम, तो दोस्तों बहुत ही आसानी से स्प्रे से भी हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। अगर आपके पास एक सीधा स्केल है या फट्टी है, कुछ भी आप सीधा, कुछ भी जो सीधे आकार में हो उससे आप इस तरह की, ये देखिए किस तरह से मैंने ये काम किया है, देखिए फट्टी लगा कर ताकि ऊपर कलर ना चला जाए और सीधे ही कलर हमारा इसके दायरे में ही रह जाए। तो आप भी स्प्रे से ही अगर आपने काम करना है, टेप वेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ सीधा फटाफट काम होता है। अगर हम टेप लगाने लग जाएंगे तो टेप में ही पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों, ये
छोटी स्प्रे गन आती है। अगर आप भी इस तरह की गन लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसी गन है, इसका फ़ोटो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आप चाहोगे तो। दोस्तों हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया गन है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, ये 400-500 तक में आ जाती है, तो आप भी इससे काम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम होता है। बाकी इसमें सेटिंग होती है गन में, किस तरह से हम इसको चौड़ा या बीड़ा कर सकते हैं अपने पेंट को, किस तरह से इसकी नोक बनाकर हम बारीक काम भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सी सेटिंग होती है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें किस तरह से आपको इसकी नॉलेज चाहिए आपको। ये देखिए हमें इस कैल से ही एक सीधा फुट्टा में मिल गया था फट्टी, वहाँ पर लकड़ी का भी काम चल रहा था तो उनसे ही हमने ये ले लिया था और इससे हमारा बहुत ही आसानी से काम हो गया, बहुत ही सुंदर काम हुआ। ये देखिए सारे के सारे ही जितने भी लाइनें आपको दिखाई दे रही है बहुत ही सीधी सीधी लाइनें, तो आप भी इस तरह से करेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, जो भी वाइट का काम था सारा भी, जितना भी जो लाइट कलर का काम था, उसके बाद फिर मैंने ये लाइट कलर, ये देखिए इनकी शेडिंग वेडिंग, ये किस तरह से ये थोड़ा सा हमने लाइट ये ऑरेंज कलर लिया था इसके क्रीम पेंट के ऊपर, इसकी ऑरेंज की शेडिंग बड़ी अच्छी लगी, तो इसी से हमने ये शेडिंग स्प्रे से हम इसलिए शेड वेड लगाते हैं, इसमें बिल्कुल ओरिजिनलिटी आती है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से, ये देखिए बड़ी बड़ी फट्टी से हमने किस तरह से सीधी लाइन लगाई है, तो आप भी इसी तरह से काम करेंगे तो बहुत ही सुंदर ये काम देखिए बनने वाला है। ये हमने आपको नॉलेज में डाल दूँ, ये एक शटर है बहुत ही बड़ा, ये कम से कम 25x12 फुट का ये शटर था, तो उस पर हमने ये पेंटिंग बनाई है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर गाने वाने शूट होते हैं तो उस स्टूडियो में हमने ये पेंटिंग बनाई है। तो आप भी अगर इस तरह के कोई भी काम करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं देखिए, तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, हम हर तरह का काम करते हैं, चाहे शूटिंग हो, चाहे शादी पंडाल वंडाल, चाहे बच्चे का रूम हो डेकोरेट करना हो, या आपका घर में कोई भी 3D लुक देना है, हर तरह के काम में हम माहिर हैं, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। और नए नए जो पेंटर है, अगर हमें इस तरह की वीडियो, इस तरह की पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और मुझे कमेंट भी करें कि किस तरह की आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, हम उस तरह के ही आपको सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ये ब्लैक से हम शेडिंग भी दे रहे हैं कहीं कहीं। तो दोस्तों ज़रूर मेरे, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें।